सब्सक्राइब कीजिए माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 के बारे में, जिसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट कर दिए, इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस पैटर्न के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल सेचेस की प्रिपरेशन के लिए जुटे हुए हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छी खबर है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। क्लास 9th, 6th, 11th की एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2018 और इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2018 है। साथ ही साथ करेक्शन की जो डेट है 2 अप्रैल 2018 इसकी करेक्शन की डेट है। अगर हम इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो 11 अप्रैल 2018 से आपके जब तक एग्जामिनेशन चलेंगे एडमिट कार्ड आपके अपलोड किए जाएंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आफ्टर एग्जामिनेशन इसके आंसर की भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर हम इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट की बात करें तो 10 जून 2018 ये टेंटेटिव डेट है रिजल्ट डिक्लेरेशन। इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ फ़ीस रखी गई। पेमेंट की अगर बात करें मोड की तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ ई चालान माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के थ्रू। अगर हम इसके डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 25 अप्रैल 2018 को इसका एग्ज़ाम है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर हम बात करें क्लास 11th बायोलॉजी की तो इसका भी 25 अप्रैल 2018 को एग्ज़ाम है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सेकेंड मीटिंग में। अगर हम बात करें क्लास 11th मैथ की तो 26 अप्रैल 2018 को इसका एग्ज़ाम है, 3 बजे से लेकर 5 बजे शाम को। अगर हम बात करें क्लास 9th की तो इसका एग्जामिनेशन डेट है 27 अप्रैल 2018, इवनिंग टाइमिंग है इसकी 3 से 5 बजे के बीच में। अगर हम बात करें क्लास 6 की तो 28 अप्रैल 2018 को इसकी एग्ज़ाम डेट है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब बात आती है दोस्तों डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट की। तो अगर हम क्लास 6 की बात करें तो इसकी जो काउंसलिंग की डेट है 21 जून 2018 है। टाइमिंग इसकी जो है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सारे काउंसलिंग की टाइमिंग सेम रहेगी। अगर हम बात करें क्लास 9th की तो 22 जून 2018 इसकी काउंसलिंग डेट है। अगर हम बात करें क्लास 11th मैथ की तो 23 जून 2018 इसकी डेट है। अगर हम बात करें क्लास 11th बायोलॉजी की तो 25 जून 2018 इसकी काउंसलिंग की डेट है। अगर हम बात करें क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स कैंडिडेट की तो 26 जून 2018 इसकी काउंसलिंग की डेट है। टाइमिंग है आपका मॉर्निंग 8 से 12 बजे दोपहर तक इसकी टाइमिंग है। और एक स्पेशल कैटेगरी ये है कि क्लास 11th पेड सीट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ओनली फॉर सेचेस बॉयज़ स्कूल। 27 जून 2018 को इसकी ये टाइमिंग है। बात आती है इसकी एज लिमिट की। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 10 ईयर टू 12 ईयर के बीच में। अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 13 ईयर टू 15 ईयर के बीच में। अगर आप क्लास 9th किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर से कम, मैक्सिमम एज आपकी 18 ईयर तक होनी चाहिए। ये जितनी भी एज आपके काउंट होंगे 30 सितंबर 2018 से आपके एज काउंट होंगे। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ सीटों की बात करें तो सेचेस हिंदू गर्ल्स स्कूल की अगर हम बात करें तो क्लास 6 के लिए 70 सीट हैं, क्लास 9th के लिए 90 सीट हैं, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम्स के लिए 17 सीट है, क्लास 11th बायोलॉजी स्ट्रीम्स के लिए 16 सीट है, क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 25 सीट हैं, क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 40 सीटें। अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की तो क्लास 6 के लिए 135 सीट हैं, क्लास 9 के लिए 240 सीट हैं, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम्स के लिए 38 + 50 88 सीटें टोटल, बायोलॉजी के लिए 25 सीट हैं,
इलेवेंथ कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए 14 सीट है, इलेवेंथ आर्ट स्ट्रीम्स के लिए 14 सीट है। आपके इसमें इलेवेंथ में जो मैथ कैटेगरी का है इसमें आपके 38 प्लस 50 सीटें, 50 सीट उन कैंडिडेट के लिए जो एक्सटर्नल एग्जाम देकर सेट के थ्रू आएंगे, उनके लिए सीट रिजर्व्ड है। अगर हम क्लास सिक्स के सिलेबस की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के, आपके सिलेबस होंगे आपके क्लास फाइव के सिलेबस से इंक्लूड होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। यही सेम पैटर्न आपके क्लास नाइन्थ के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के, आपके क्लास एट से आपके इसके सिलेबस रहेंगे। अगर हम बात करें क्लास इलेवेंथ मैथ की तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज से, या करंट अफेयर्स भी इसको कह सकते हैं, आपके टोटल ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे इससे। अगर हम बायो कैटेगरी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल स्टडी या करंट अफेयर, आपके इसमें मैथ की जगह बायोलॉजी हो जाएंगे बायो ग्रुप में। अगर हम बात करें कॉमर्स एंड आर्ट्स कैंडिडेट के लिए तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जर्नल स्टडीज और जर्नल मैथ भी इसमें रहेंगे इंक्लूड। अगर हम इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके चार ऑप्शंस रहेंगे, आपके जो भी करेक्ट आंसर रहेंगे उस बबल्स को आपको डार्क करने रहेंगे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग की अगर बात करें तो 120 मिनट्स टोटल आपको मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और बबल्स को डार्क करने के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप वहाँ से इसकी फुल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दे दी है, वहाँ से आप इसकी पूरी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2018 की, तो मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा। नंबर वन सजेशंस ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पैटर्न को समझिए, किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको 10 ईयर के ओल्ड पेपर को सॉल्व करें, आपके किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप्स के आपके पूछे जा सकते हैं, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो आप मार्केट में भी अवेलेबल रहते हैं 10 ईयर के ओल्ड पेपर, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके मे बी 3 ईयर के पेपर ही आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आप अगर मार्केट में बुक भी परचेस करते हैं तो उसमें भी 2 से 3 ईयर के पेपर मेंशन रहते हैं, वहाँ से भी आप पेपर को देख सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई इसमें चेंजेस हो सकते हैं, टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं, तो आप बेचू की ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।